दोस्तों, हमारे समाज के अंदर ऐसी कई बातें हैं जो समाज की बुराई का नतीजा है, लेकिन समाज आज भी इनसे सहानुभूति की बजाय घृणा करता है। इन्हीं में से एक है डायन और चुड़ैल। एक ओर जहां डायन ताउम्र काले जादू की क्रियाओं में अपना जीवन बिताती है और अपने पति बेटे तक की बलि देकर यहां तक पहुंचती है, वहीं चुड़ैल इंसानों को भ्रमित कर उनके खून का भक्षण करती है। क्या आप जानते हैं, एक डायन भी अपने आसपास के घरों पर बुरी नजर नहीं डालती है। लेकिन इन सभी के बीच एक सवाल ये उठता है कि आखिर औरतें डायन और चुड़ैल क्यों बनती हैं? इसके पीछे का मकसद क्या होता है? तो चलिए आज जान लेते हैं कि कैसे एक औरत डायन और चुड़ैल बनती है, क्योंकि शायद इनके बनने के पीछे की वजह जानकर आप इनके प्रति अपने नजरिए को बदल लें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, डायन और चुड़ैल बनने का शायद ही किसी महिला को शौक होता हो, लेकिन ऐसा हमें तो बिल्कुल नहीं लगता। दरअसल ये सिर्फ समाज की तिरस्कार से आहत होती हैं। आज भी भारत जैसे देश में इनकी बहुत कम मात्रा है, वहीं साउथ इंडिया जैसे कंट्री में आज भी डायन है। समाज का एक हिस्सा जब उसकी तिरस्कार का शिकार होता है, तब बहुत मुश्किल होता है उसका उसी समाज से जुड़े रहना, और यही बनती है डायन और चुड़ैल। जहां दोनों ही समाज की आलोचनाओं का शिकार औरतें हैं, जिसमें एक मरने के बाद चुड़ैल बन जाती हैं, वहीं दूसरी जिंदा रहकर डायन। डायन शब्द इसलिए क्योंकि ये जिंदा होते हुए इंसानी खून और मांस का प्रयोग करती रहती हैं। एक चुड़ैल मरकर भटकती रहती है, यही नहीं चुड़ैल बुरी भी हो सकती है, लेकिन डायन हमेशा नहीं। इसकी प्रमुख वजह में किसी के द्वारा यौन शोषण और बाद में हत्या कर देना, बच्चे को जन्म देते समय मर जाना, संतान ना होने की वजह से समाज द्वारा दुत्कारना शामिल है। डायन को हम शैतान की पूजा करने वाली या फिर ऑकुल्ट की क्रिया करने वाली मान सकते हैं। उनका जीवन इसी तरह अपनी गुप्त विद्या को आगे बढ़ाने में बीतता है और वो हमारे समाज में रूप बदल कर रहती हैं। चुड़ैल ज्यादातर वो बनती हैं जिनका यौन शोषण होने के बाद हत्या की जाती है। इसकी वजह से वो ज्यादातर सुनसान जगहों पर लोगों का शिकार करती हैं और उन्हें अपने रूप जाल में फंसा कर मार देती हैं। इनकी शक्तियां ज्यादातर मायावी होती हैं। डायन इंसानों से नफरत करती हैं, इसीलिए उनसे दूर रहना पसंद करती हैं। ऐसे में अगर कोई उनके आसपास जाता है तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। ऐसा भी हुआ है कि लंबे समय से बांझ रही औरत को समाज अपनाने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ये समाज से दूर होती चली जाती हैं। ऐसी औरत जो लंबे समय से मां नहीं बन पाती है तो समाज उसे ताने मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर घुटने लगती हैं। अगर ये किसी और बच्चे पर अपना ममत्व लुटाना चाहें और उस बच्चे को उस दौरान या उसके बाद कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार वो औरत ही होती है। समाज उसे जादू टोना करने वाली मानकर उसका तिरस्कार कर देता है और इनके पास समाज से दूर रहकर जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस दौरान ये ऐसे लोगों के संपर्क में आती हैं जो समाज से अलग रहते हैं, बुरी क्रियाएं करते रहते हैं। ये साधक इन औरतों को अपना माध्यम बनाते हैं, साधना के दौरान और भोग भी करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर इन साधनाओं को सीखने की काबिलियत पैदा हो जाती है। धीरे धीरे ये मानवीय गुण भूल कर इन क्रियाओं में इतना लिप्त हो जाती है कि इन्हें खुद ही इसका एहसास नहीं हो पाता है कि ये क्या से क्या बन चुकी है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या डायन और चुड़ैल होती है? हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।